दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे मास्क और सैनिटाइजेशन पे। क्योंकि कुछ लोगों ने ये सोच रखा है कि अगर वो मास्क लगा लेंगे या प्रॉपर सैनिटाइजेशन करेंगे तो वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे कोरोना वायरस जैसी मौलिक खतरनाक बीमारी से। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आप इसको सही समझ नहीं रहे हैं कि ये कितना ख़तरनाक वायरस है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप अपने घर में रहें, दूसरों से दूर रहें, कॉन्टैक्ट में ना आएँ, चाहे आप मास्क लगाए रखें या ना लगाए रखें। तो दोस्तों, मास्क लगाने का एक, जैसे ये मास्क आप देख रहे हैं, इसको ये है कि एक बार लगाया जाता है, उसके बाद इसको फौरन डिस्पोज कर दिया जाता है। यूज़ करने के बाद इसको दोबारा नहीं लगाया जाता है। आमतौर से ये देखा जा रहा है कि आजकल मास्क महंगे मिल रहे हैं तो लोग एक ही मास्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, जब भी बाहर निकल रहे हैं वही लगा ले रहे हैं, घर में आने के बाद उसको रख दे रहे हैं, और उसके बाद उनके बच्चे, दूसरे लोग उसको हाथ लगाते हैं, उससे बीमारी फैलती है, वायरस लग करके चिपक करके आ जाएगा घर में और बीमारी आपको फैल जाएगी, आपको हो जाएगी, बच्चों को की फैमिली को हो जाएगी। इसलिए आप ये कभी ना समझें कि मास्क लगा लेंगे तो आप बाहर घूमेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप बाहर निकलें। मास्क लगाएं तो उसको डिस्पोज कर दें, दोबारा उसको इस्तेमाल ना करें। आप मास्क के अलावा कोई साधारण रुमाल या कोई ऐसी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बाहर से आने के बाद फ़ौरन वाश करके आप उसको रख दें, ताकि दोबारा जब जाएं फिर उसको लगा लें तो उसको वाश करना आपको ज़रूरी है, ताकि और उस चीज़ को अपने घर में ना लाएं, बाहर ही कहीं रख दें। शूज़ वगैरह को भी बाहर उतार दें अगर भीड़ भाड़ से आप आ रहे हैं तो। ऐसी ये सब आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कौन सा इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड है, कौन किस इंसान को बीमारी है। कुछ लोग ये सोचते हैं चलो हो जाएगी कोई बात नहीं, भाई आपको हो जाएगी लेकिन आपके बच्चे, आपके घर, आपके फैमिली, सारे लोगों को आप ये बीमारी दे देंगे। तो आप अपने बचाओ, अपने बच्चों के बचाओ, अपने घर वालों के बचाओ के लिए घर से बाहर ना निकलें, निकलें तो पूरे एहतियात के साथ निकलें, प्रिकॉशन के साथ निकलें, और बाहर से आने के बाद सारी चीज़ों को प्रॉपर वॉश कर लें, अच्छे से उसको रख दें। सैनिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप हाथ को अपने सैनिटाइज कर सकते हैं, चेहरे को धुल सकते हैं, लेकिन पूरे बदन को आप वॉश नहीं कर सकते, पूरे बदन को आप बार बार नहीं धुलते हैं। वो वायरस कहीं भी चिपका रह सकता है, उसमें 10-15 घंटे वो जिंदा रहता है। कुछ रिसर्च में ये है कि 4-5 दिन तक भी जिंदा रहता है। इसलिए आपको इससे बचना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है कि आप घर में रहिए, कुछ दिन की परेशानी को झेलिए, कुछ दिन की ये परेशानी है उसमें आपको थोड़ा सा उठाइए इसको, और जो आपके मोहल्ले पड़ोस में जो गरीब लोग उनकी मदद करिए, हर तरीके से उनको सपोर्ट करिए, और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए, अपने घर वालों की सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए। मास्क और जो सैनिटाइजेशन होता है उसका भी सही से इस्तेमाल करिए, सही से उसको यूज़ करिए, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और खाने पीने में भी बहुत सारी चीज़ें आजकल नहीं मिल रही हैं, लेकिन जो भी मिल रहा है आप अच्छा खाइए। कोशिश करिए कि अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कीजिए, अपनी इम्यूनिटी मजबूत कीजिए, अपना दिफाई निज़ाम मजबूत करिए, ताकि आप किसी भी बीमारी से लड़ सकें और उससे स्वस्थ रह सकें।